हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आर्टिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मशरूम मटर करी। तो मशरूम मटर करी जो होती है बहुत टेस्टी होती है, और यहाँ पर हम इसको थोड़े से अलग स्टाइल से बनाने वाले हैं। आज हम इसे कढ़ाई में नहीं कुकर में बनाएंगे, जिससे ये जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर हमने लिया है मशरूम। मशरूम जो है अच्छे से पहले हमने धो लेना है, और उसके बाद हम इसको ऐसे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए एक कटोरी मटर। जितनी क्वांटिटी आपने सब्ज़ी की बनानी है उतनी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं दो बड़े टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से हमने बारीक चॉप कर लेना है, और मशरूम को फ्रेंड्स बहुत अच्छे से साफ़ करके तभी आप इसको काटें। तो यहाँ पर मशरूम मटर करी के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, और यहाँ पर हम प्याज नहीं ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले हमने एक कुकर में जो है एक बड़ा चम्मच ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें अब हम आधा चम्मच ज़ीरा डाल रहे हैं, और साथ ही जो हमारे टमाटर थे बारीक चॉप किए हुए वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर से ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे बढ़िया सी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं गर्म मसाला, और आधा ही चम्मच हम यहाँ पर लेंगे धनिया पाउडर, और साथ ही नमक लेंगे हमारे स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। साइड में ऑयल जो है हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मसाला जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मटर ऐड कर रहे हैं, और साथ ही मटर जब हमने डाली है इसमें तो हम मशरूम भी इसी में ही डाल देंगे। और फ्रेंड्स अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी यहाँ पर हल्का सा पानी है इसमें, और थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे, और कुकर को बंद करके हमने यहाँ पर 3 सीटी में इसको बनाना है। 3 सीटी में ये अच्छे से बन जाता है, और मटर जो है वो अच्छे से पक जाएगी, गल जाएंगी। तो यहाँ पर 3 सीटी में हमने इसको पका लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मशरूम मटर करी तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमने इसको आज कुकर में बनाया है। और आप इसको खाएंगे तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा होता है। और सब्ज़ी देखिए बहुत अच्छी ड्राई जो होती है, थिकनेस वाली जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत थिक बनी है, अच्छी बनी है। अगर आपको पतली ग्रेवी पतली करी पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल करी इसकी रखी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कम समय में टेस्टी मशरूम मटर करी। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मुझे इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए आज की रेसिपी के लिए कि आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, और साइड में जो एक छोटा सा बेल आइकॉन बना रहता है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मशरूम मटर करी तैयार है, गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व।